बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ साल साल से बरकरार हैं और कई इंसानों की नाहक जाने इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुकी हैं। तो जादू नगरी की इस दुनिया में आज एक बहुत ही नायाब और ख़ास अमल लेकर आया हूँ। ये दुश्मन से निजात, जान की हिफाजत और अल्लाह ताला की मदद हासिल करने का बेहतरीन वजीफ़ा है। ऐसे लोग जो दुश्मनों की शर की वजह से जानी और माली नुकसान के अंदेशों में गिरफ्तार हों या इन्हें नुकसान उठाना पड़ता हो, खुद को मगलूब और तनहा बेयारो मददगार समझते हों, इन्हें इन वज़ाइफ को पढ़ते रहना चाहिए। इन वज़ाइफ का तरीक़ाकार ये है कि पीर वाले दिन से अमल शुरू करें। अमल शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ सदका करें और इस अमल की इजाज़त सबको है। बावुज़ू होकर बिस्तर पर लेट जाएं और 11 बार दरूद पाक पढ़ें और या फत्ताह या अलीम 3 तस्बीह पढ़कर दुआ करें और इसके बाद दाएं करवट लेट जाएं। ये अमल 7 दिन तक करना है। रोज़ाना रात को ये अमल करके सोना है, बल्कि अपने दुश्मनों से हिफाजत के लिए असर की नमाज के बाद सजदा की हालत में ये कुरानी दुआ भी पढ़ें, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही है, और आपकी आसानी के लिए एक बार इसको तिलावत भी किए देते हैं। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़न्तसिर। दोस्तों, इस दुआ के बाद अल्लाह से आज़ी के साथ तसव्वुराती और कल्बी तौर पर दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकत व अज़मत वाला है, मैं मग़लूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। ये दुश्मनों और हासदीन के हसद और दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए सबसे बेहतरीन दुआ है। इस वजीफ़ा को अगर संजीदगी से कर लिया जाए तो बड़े नुकसानात से बचा जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला से खैर तलब की जानी चाहिए। जो आपका बुरा चाहे इसकी भलाई की दुआ करें कि अल्लाह इसे हिदायत अता करे। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको और हमारे दुश्मनों को भी हिदायत दे, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, इंसान, जिन्नात और शयातीन के वसवसों से और हमलों से हिफाजत अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें, शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।